समियाज फ्री स्टाइल, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खुश हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है, मुझे बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच उन सब लोगों के लिए जो मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं और इतनी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। जब आपको जब मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो उसके बाद जब मुझे कमेंट्स आते हैं तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। अच्छा जी, आज जो मैं आपके साथ एक रिव्यू शेयर करूँगी, किसी ख़ास प्रोडक्ट का तो नहीं है, लेकिन आप सब लोग उससे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मैं कोई रिव्यू नहीं दे रही आपको, बस आपको बताने लगी हूँ कि आपने कब और किस टाइम इसको यूज़ करना है, आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, पुराने टाइम की बात है, पुराने दौर में जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता था, तो उसको रिमूव करने के लिए या तो टॉक्सिक जोंके और या हजामा का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा कुछ ऐसी ग़ज़ाएँ भी होती थी जिनके साथ आप अपनी बॉडी में से टॉक्सिक को रिमूव कर सकते थे। लेकिन अगर आज के दौर की बात की जाए, तो अगर आपको पता चले कि आपकी बॉडी में टॉक्सिक यानी कि गैर मयारी खून, और जब खून गंदा हो चुका है तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, जी साफ़ी। साफ़ी से खून साफ, चेहरा शादाब, ये तो सुना ही होगा जी। बिल्कुल ऐसा ही है, साफ़ी से सिर्फ खून साफ, चेहरा शादाब ही नहीं होता, और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाद हैं। आप सब ने यकीनन ये मेडिसिन देखी तो होगी, अगर नहीं देखी तो चलें मैं दिखा देती हूँ आपको। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इसका नहीं भी पता होगा, चलें मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो मेडिसिन है, इसके ऊपर ये बहुत सारी जड़ी बूटियों की वजह से बनी हुई है, और इसमें इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की गई हैं कि मैं इनके नाम आपको बता नहीं सकती। ये जो पूरी लिस्ट है ना, ये पूरी लिस्ट, ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो इसमें इस्तेमाल की गई हैं। और आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक एक अलग, हम सेपरेटली इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका, इस मेडिसिन का ये फ़ायदा है कि ये सब, इन सब चीज़ों का जो ना मिक्सचर ना, वो इस मेडिसिन में है, और बहुत बहुत कमाल की मेडिसिन है। आपको चाहे जिगर का, अगर आपको मैदे का कोई भी मसला हो, तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मेडिसिन की जो कमाल की चीज़ है वो ये है कि ये आपके रंग को बहुत निखारती है। रंग को कैसे निखारती है? देखें, जब अंदर से आपके खून में मसला होगा, बैक्टीरिया होगा, कुछ भी होगा आपके अंदर से, अंदर का जो सिस्टम ख़राब होगा, उसकी वजह से सबसे जो फर्स्ट इफेक्ट आता है वो आपकी स्किन पे आता है, जिसकी वजह से आपको एक्नी, पिंपल और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और आपका कलर डल होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप उसको इसका आप इस्तेमाल करेंगे, तो जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये होगा कि आपकी जो एक्नी है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो चेहरा है वो खिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा सच में है, आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, मेरा एक इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है, हम लोग थोड़े छोटे थे तो घर में ना उस टाइम मुर्गियाँ रखी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो गर्मियों का सीज़न था, और हम बहन भाइयों ने इतने अंडे खाए, इतने ज़्यादा अंडे खाए कि हम सबकी बुरी हालत हो चुकी थी। इतने ज़्यादा वो फोड़े जो होते वो निकल आए थे पूरी बॉडी पे, इवन के फेस पे बहुत ज़्यादा। तो हमारी अम्मी ने ना पूरे मंथ के लिए हमें और कोई मेडिसिन नहीं दी, सिर्फ हमें साफ़ी पिलाई। सुबह उठ के हम लोग जब सुबह उठते थे तो निहार मुँह सबसे पहले इसके 2 चम्मच लेते थे, थोड़े बड़े थे तो 2 चम्मच। अगर आपका बच्चा 8 साल का है तो आप उसको 1 चम्मच दें, उसके अलावा छोटे बच्चों को, ये वैसे बहुत कड़वी दवाई है तो छोटे बच्चे मुश्किल हैं पिए, अगर आप उनको देना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी में मिक्स करके आप उनको 1/2 चम्मच दे सकते हैं। लेकिन अगर 8 साल से ऊपर बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, तो आप इसका 2 चम्मच इसके इस्तेमाल करें, और यकीन करें कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपको ये फोड़े वगैरह, दाने, इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो वो इससे ठीक हो जाएगी। और बहुत सारी मार्केट में इसके साथ की मेडिसन्स हैं, लेकिन यकीन करें साफ़ी का एक ख़ास मकाम है, और बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी स्पेशल जो इसके साथ की मेडिसिन बनाई गई थी, वो स्पेशल एक्नी के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके ऊपर जो मेंशन है ये भी इसी तरह है, ये देखें, फॉर पिंपल एंड ग्लोइंग स्किन। इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि ये आपके पिंपल्स को ख़त्म करेगी और आपकी स्किन को निखारेगी। तो अगर आपको कोई इस तरह का मसला है, कोई एक्नी का इशू है, तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें और इसका फीडबैक मुझे दें। आपने पूरे मंथ के लिए इसको इस्तेमाल करना है और सुबह खाली पेट आपने इसको लेना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।